नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मिथुन राशि 1 और 2 नवंबर 2019 क्या कहते हैं सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सप्तम भाव में चंद्रमा होंगे राहु और केतु के साथ, ग्रहण दोष विष दोष और शापित दोष का निर्माण होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। यह वक्त आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए, सावधानी भरा वक्त होगा। 1 और 2 तारीख को संभल कर बिताने वाली स्थिति होगी आपके लिए। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, यानी कोई चिंता परेशानी पहले से है, तो वो बढ़ सकती है। अगर नहीं है तो मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, दिमाग में दर्द, सर में दर्द हो सकता है, आपके दिमाग में उलझनें पैदा हो सकती हैं, कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो सकती है, क्या करें क्या ना करें। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो, इसके लिए आपको किसी भी बात को लेकर बहस नहीं करनी है और अच्छा तालमेल बिठा के रखना है अपने जीवन साथी के साथ। आपका धन खर्च बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी मुलाकात कुछ बढ़िया लोगों के साथ होगी, जिसकी वजह से आपका काम बन जाएगा। व्यापारिक समझौतों को करने से पहले पुनः विचार कर लें, व्यापारिक समझौतों को करने से पहले एक बार हर पहलू को जांच पर रख लें, निवेश करने से पहले दिमाग को शांत रखें और सोच समझ कर निवेश करें तो बढ़िया होगा। जीवन साथी के साथ झगड़ा ना करें तो बढ़िया होगा। जीवन साथी का जो साथ है वो आपके बिगड़े कामों को बना देगा, इसलिए झगड़ों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रेम संबंधों में भी झगड़े ना करते हुए एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक दूसरे की कमी निकालने के बजाय अच्छाइयों की तरफ जाएं और प्यार मोहब्बत की बातें करें। आपके घर में कुछ लोग आ सकते हैं मिलने के लिए, जिसकी वजह से शायद आपको कुछ परेशानी हो, आपके काम में व्यवधान पड़ जाए और उन लोगों का आना आपको शायद पसंद ना हो, जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा रह सकता है। आप घर का सादा भोजन करें और बढ़िया भोजन करें, बाहरी भोजन ना करें, नहीं तो पेट गड़बड़ हो सकता है। महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, आज के दिन बहुत परेशान कर सकता है, तो महिलाओं के प्रति इज्जत का भाव रखें और उनके साथ सम्मान से बात करें, चाहे वो महिला घर की हो, बाहर की हो या अनजान ही क्यों ना हो। महिलाओं का सम्मान ही आपका कल्याण करेगा। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में पैसा लगाने का काम ना करें, आज खतरा हो सकता है। 2 तारीख को आपको प्रेम का अनुभव होगा, वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों में बहुत घनिष्ठता आएगी, आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, या कहें एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे। 2 तारीख को व्यापार के अंदर कोई बड़ी डील हो सकती है और आपको कुछ अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप अपनी कमाई को गुप्त रखें, उसका ढिंढोरा ना पीटें तो बढ़िया रहेगा। आपकी मेहनत अधिक होगी और आप सफलता भी पाएंगे। कई बार हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद सफलता मिलती है, तो मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। अपनी सेहत का आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको लाभ हो सकता है। यह 2 दिन संभल कर बिताएंगे तो खुशियाँ डबल होकर आएंगी और परेशानियाँ समाप्त होंगी और जल्द ही आप कहेंगे बहुत बढ़िया दिन बीता, इसके लिए भगवान तेरा शुक्रिया है। ध्यान रखें अपना और अपनों का, और कुछ उपाय बता रहा हूं उसको करिएगा, उससे लाभ होगा। भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हो सके तो आज के दिन तुलसी जी के नीचे दीपक, देसी घी का दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा शाम के समय। और इसके साथ साथ आप शिव मंदिर जा सकते हैं और शिव मंदिर जाकर दूध और पानी और चावल एक लोटे में लेकर शिव जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पतली धार से शिव जी को जलाभिषेक करना शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने घर में देशी घी का दीपक सुबह शाम जरूर जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो अपने घर में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करें या देवी के मंदिर में सुगंधित धूप बत्ती को दान करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। जो भी लोग आज देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या देश विदेश जाना चाहते हैं, वो आज अपने काम को बनाने के लिए धूप बत्ती का दान, यानी सुगंधित धूप बत्ती का दान किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जरूर करें, बहुत कल्याण होगा। और हो सके तो आज के दिन आज अपने घर में सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता रखें, सुगंधित सफ़ेद फूल, यदि बेला के फूल मिलते हैं और उनको आप अपने घर में सजाते हैं तो उसकी खुशबू से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी और आपको कल्याण का अनुभव होगा। आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और, ये बात भी बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन से ही जुड़ी हुई है। और अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज आपका जन्मदिन है तो
आपको बधाई हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो आपको बधाई हो, कोई अन्य शुभ पर्व है आपके जीवन में आज तो उसकी भी बधाई हो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदगी के सुखों को भोग नहीं पा रहे हैं और परेशान हैं, और दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, आप पीछे होते तो चले जा रहे हैं, ना घर में चैन है, ना ऑफिस में काम है, ना व्यापार में तरक्की है, ना बच्चों का सुख है, ना देश विदेश की यात्राएं हो रही हैं, बस एक चार दीवारी में जीवन कट रहा है और जैसे तैसे गुजर बसर हो रही है। पढ़ाई लिखाई भी खूब बढ़िया की है, दिमाग भी बहुत तेज है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, वो काम नहीं बन रहे हैं जो काम बनने चाहिए। तो इस सब के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपकी मेहनत का कम होना हो सकता है, हो सकता है वक्त से पहले ही आप प्रयास करने शुरू कर दे रहे हो, ये कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि कुंडली में कोई दोष हो, ऐसा दोष हो जो आपको आगे ही ना बढ़ने दे रहा हो, उसका निवारण भी जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र हो और उस बुरी नज़र के कारण आप आगे ना बढ़ पा रहे हो या बढ़ पा रही हो, आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, बड़े लंबे समय से विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे हो लेकिन बात पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है किसी ने आपका विवाह बांध रखा हो या किसी ने आपके ऊपर नजर गड़ो रखी हो, तो बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप खुश ना हो। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए आपकी कुंडली को देखना पड़ेगा और उसको देखने के बाद हम समझेंगे कि परेशानी क्या है और फिर उसके बाद आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए कुछ सरल से उपाय बताए जाएंगे। पूजा पाठ होगा, रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं, अंगूठी पहना सकते हैं, रत्न पहना सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, कोई ना कोई उपाय सरल सा करके आपके जीवन में खुशियां लाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आती है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द पाएं और खुश रहें। हरिओम, नमस्कार।